चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन पेपर खुले हुए हैं। मैथ्स एंड साइंस के टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, 30 मैथ्स के और 30 साइंस के। तो आज हम पहले मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर पे है, इन आ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स फॉर फीमेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेंबर्स वाज दिस। क्वेश्चन हिंदी में भी है, हिंदी में आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं। एक बैठक हो रही है जिसमें 4/25 महिलाएं हैं, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत है। तो हमें बताना है जो उसमें फ़ीमेल हैं वो टोटल मेंबर्स का कितने परसेंट हैं, सिर्फ हमें फीमेल की परसेंटेज बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। 4/25, आपको पता है हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। 4/25 into 100, 25 into 25, 25 4 जा 100, 4 into 4 16, सो आंसर विल बी 16, थर्ड आंसर विल बी राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला 31st का जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। नाउ मूव इनटू द सेकंड क्वेश्चन, 32nd, अ शॉप रिड्यूस इट्स प्राइस बाई 10%, वट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम विच वॉज प्रीवियसली सोल्ड फॉर 500। एक दुकानदार है जिसने अपने चीज़ों में 10% की कमी कर दी है, मतलब पहले वो प्राइस ज़्यादा करके देता था, अब उसने 10% का डिस्काउंट कर दिया है लोगों के लिए। पहले जब उसके प्राइस ज़्यादा थे तो वो 500 रुपीज़ में चीज़ों को बेचता था, अब उसने डिस्काउंट कर दिया लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो गया होगा। तो हम देखते हैं कि उसने कितना प्राइस कम किया, तो वो हम कैसे निकालेंगे। 500, 10% डिस्काउंट है, 10 / 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 × 10 = 50। तो लोगों को 50 रुपये का डिस्काउंट हुआ। पहले लोग 500 रुपये में चीज़ें खरीदते थे, तो आप कितने में खरीदेंगे। अब आपको आंसर निकालना है, तो 500 में से इसे माइनस करना पड़ेगा। 500 - 50 = 450, तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, गिवन बिलो इन अ डाटा द सेट ऑफ द टेम्परेचर इन अ डिग्री सेल्सियस। आपको एक डाटा दे रखा है जिसमें टेम्परेचर गिवन है आपको 6/8/2023/2054, और आपको बताना है इस डाटा की रेंज क्या होगी। रेंज निकालने के लिए हमेशा याद रखिए हम हाईएस्ट में से हमेशा लोएस्ट को माइनस करते हैं, तो जो भी हाईएस्ट नंबर होगा उसमें से आपको लोएस्ट वाले को माइनस करना है। और इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, ये 6 नहीं 16 है, तो आपको 16 में से 0 को माइनस करना है। 16 - 0 = 16 होगा, तो आंसर क्या होगा, 16, सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व एज। एक सिक्का है जिसे 10 बार उछाला जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या क्या आता है। अब सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हमें देखना है कि जब 10 बार हमने सिक्का उछाला तो उसमें क्या क्या आया था। फर्स्ट टाइम हेड, फिर टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड एंड हेड। एच रिप्रेजेंट हेड एंड द टी रिप्रेजेंट टेल, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको हेड वाले गिन लेने हैं कि हेड कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के हम क्या करते हैं, हेड की निकालनी है, 6 टाइम है तो 6 ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने 10 times किया था उसे, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, 2, 3 = 6, 2, 5 = 10, सो द आंसर विल बी 3/5, फर्स्ट विल बी राइट। नाउ मूव सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द 3/7, 7/8 = 25/6। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, साइन इसमें शो नहीं हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा और वो सही होगा। द फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सेकेंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, एंड द थर्ड रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन,
द नेक्स्ट वन द लास्ट वन इज़ अ रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीज़न. तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा क्लोज अंडर एडिशन आते हैं. जब हम उनका एडिशन करते हैं तो उनका आंसर अप्रॉक्स सेम आता है. तो आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा 35 का. अब 36 देखेंगे. 36 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप डज नॉट हैव अ वर्टेक्स. वर्टेक्स हमेशा या तो आपने स्क्वायर शेप बनाई है, रेक्टेंगल, कोन, इन सब में होती है. बट इसमें एक और ऑप्शन गिवन है, स्फीयर. स्फीयर इज इन द सर्कुलर फॉर्म, सॉलिड सर्कल. तो इसमें आपको कौन सा वर्टेक्स दिखाई दे रहा है? सर्कल की ना कोई साइड भी नहीं होती, सर्कल की ना कोई साइड, स्फीयर की ना कोई साइड होती है और ना कोई वर्टेक्स होता है. तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. इफ 5/7, इसमें भी आपको साइन नहीं दिख रहे हैं. 5/7 की पावर 4, 5/7 की पावर 3, 5/7 की पावर 5x, बीच में से साइन नहीं है, 2. तो अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें जो बेस है वो सब में सेम है, बेस क्या होता है, 5/7, 5/7, 5/7, ये इस क्वेश्चन में बेस है और इसकी पावर्स क्या देखी हैं, 4, 3, 5x-2. और अगर कभी भी बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो सारे पावर्स ऐड हो जाते हैं. तो आपको इनको ऐड करना है, ऐड करके फिर इनका आंसर निकालना है कि इनका आंसर क्या होगा. वैसे इसका करेक्ट आंसर है 3, क्योंकि इसमें साइन नहीं दे रखे, इसीलिए आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस आंसर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 38. लेट ए बी सी आर द 3 रैशनल नंबर्स वेयर ए 3/5, बी 2/3 एंड सिक्स एंड सी इज़ अ 5/6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा अगर ये ए बी सी तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर्स पता होंगे आपको क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और ये सारे के सारे ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो होगा वो राइट होगा. तो 38 का जो 3rd वाला आंसर है वो करेक्ट है. नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 39. अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट. अगर आपको कोई ज्योमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंट करनी है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इनमें से कौन सा वो ग्राफ आप ड्रॉ कर पाओगे जिसमें आप उसका पार्ट भी बता सको और कंप्लीट उसका पूरा स्ट्रक्चर भी दिखा सको. हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में नहीं हो पाता बिकॉज हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट्स होते हैं, उन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं. पाई चार्ट. पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है. आप उसमें पार्ट भी दिखा सकते हो कि आपने कितना पार्ट यूज़ किया है और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका बच गया. तो पाई चार्ट एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आप होल और इसके पार्ट दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली. तो 39 का आंसर होगा 2nd, पाई चार्ट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 40. इफ क्यू इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर पी, देन पी इज, क्यू इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. अब आपको कंसीडर करना है, एक आप नेचुरल नंबर ले लो कोई सा भी. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को आप नेचुरल नंबर कहते हैं. तो नेचुरल नंबर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेचुरल नंबर ले लिया 2. अब ये बोल रहे हैं 2 तो वो आपका नंबर है पी, पी इज़ इक्वल टू 2 हो गया. अब ये बोल रहे हैं पी, क्यू इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर पी. और क्यू कैसे निकलेगा हमारा? जब हम पी का स्क्वायर करेंगे. तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर किया तो इसका आंसर आ गया 4. तो क्यू हो गया हमारा 4. अब ये बोल रहा है देन पी इज़, तो पी क्या होगा? पी की वैल्यू 2 थी, क्यू की वैल्यू 4 आ गई. तो जो क्यू पी होगा हमारा वो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू होगा. कैसे? अगर मैं 4 पे रूट लगा दूँ तो इसका आंसर फिर से 2 आ जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd. 40 का 2nd करेक्ट आंसर होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इस पूरे रूट की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 121 स्क्वायर रूट में दिया आपको, तो आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए कि 121 स्क्वायर रूट किसका होता है। अगर आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे सॉल्व करके देख भी सकते हो। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप इसे एलसीएम के थ्रू भी निकाल सकते हो। अगर आप 11 से करोगे तो 11 टाइम में चला जाएगा। 11 कौन से 11 मीन्स किसके पेयर बन गए, 11 × 11। तो इसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 टाइम लेते हैं, मीन्स 121 की जगह हम क्या लेंगे, 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर करने पे 121 आता है, मीन्स 121 का स्क्वायर रूट 11 है। अब आगे हमें 121 को सॉल्व कर लिया, बचा 70 और जो ये नंबर है उन्हें ऐड करो। 70 + 11 √81। अब आपको 81 का भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो होता है 9। अब 9 आया आपका आंसर, एक और बचा आपके पास 91। 91 में 9 को ऐड कर दो, 91 + 9 में 9 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। मीन्स 41 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 10। समझ में आया आपको कैसे किया है मैंने। सबसे पहले 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो होता है 11। 70 और 11 को ऐड कर देंगे आएगा 81। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9। फिर 9 और 91 को ऐड कर देंगे आएगा 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। तो आंसर विल बी 10, 41 का सेकेंड। नेक्स्ट 42। इन अ पार्क 784 प्लांट्स आर अरेंज सो डैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज। ये बोल रहा है 784 प्लांट्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ वन रो वो आपस में इक्वल हो। अगर आपने रो बनाई है, इस रो में भी उतने प्लांट्स होने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ रोज भी उतने ही होने चाहिए, तो आपको बताना है कि वो टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो आपको बताना है कि आपने एक रो में कितने प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 784। अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको सिंपली 784 का एचसीएफ ले लेना है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12। आगे सॉल्व करेंगे 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36, 7 × 7 = 49, लास्ट में 7 × 1 = 7। तो आपके आंसर क्या क्या है, 2 × 2 × 4 × 7 × 7 पेयर बनाएंगे, 2 × 2 = 7, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। तो इनको सॉल्व करने पे क्या आया, 28। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 28। 42 का आंसर 28 होगा, मतलब ईच रो में आपको कितने प्लांट्स लगाने हैं, 28। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली विद ईच अदर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोला आपके पास एक्स और वाई कोई दो नंबर हैं और वो कैसे वेरी करते हैं, बदलते हैं इनवर्सली, एक दूसरे को बदलते हैं, घटते और बढ़ते रहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या जो ऑप्शन है वो उसके साथ करेक्ट होगा, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप करेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 2 and 3, 2 and 3, अब इनका इन्वर्स कर दिया 1/2 and 1/3। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्या इनकी वैल्यू 1, 2 और जो 3 थी क्या वो दोबारा से सेम ही है, नहीं, ये 1/2 और 1/3 हो गए। प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट करने पे जब हमने इसका इन्वर्स किया, और अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 and 2, तो इनकी अभी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, 2, 3 थे, अभी भी आंसर 3 और 2 ही आया है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा कि अगर मैंने कोई भी दो नंबर लिया और उनका इन्वर्स किया तो उनमें जो एक रिलेशनशिप सही बैठती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन की।
तो सेकेंड आंसर इसका ठीक होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 43 का आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7y into 6 गिव द आंसर y y y, देन द वैल्यू ऑफ y इज। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y की जगह आपको एक ऐसा डिजिट रखना है जिससे इसको सॉल्व करने के बाद वो जो डिजिट आपने रखा है आंसर में वो 3 बार आना चाहिए। 3 बार आ गया तो मतलब वो y की वैल्यू आपने सही रखी है, और अगर एक भी जगह पे वो y की वैल्यू नहीं आई तो मतलब आपने कोई डिजिट गलत रख दी है। तो आपको एक एक करके जो ऑप्शन में दिए हैं नंबर्स उनको ही रख के चेक करना है। तो हम पहला रखेंगे 8 7 8 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जो 48, 8 आ गया, ये भी y था, ये भी y था, ये सही है। तो अब हम 4 यहाँ बचा, 6 7 जो 42, 42 में 4 ऐड करेंगे 46, बट रेस्ट ऑफ द टू नंबर्स 4 और 6 आ रहे हैं, 8 नहीं है। सारे नंबर सेम ही आने चाहिए क्योंकि इसने वाई वाई लिखा है यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे वाई और वाई सेम आने चाहिए। अगर यहाँ पे वाई 8 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी 8 8 आने थे, मतलब ये ऑप्शन गलत है, सेकंड फर्स्ट वाला नहीं होगा। अब हम 6 रख के देखेंगे, 7 6 6, 6 6 जो 36, 3 6 7 जो 42, 42 6 7 जो 42 में 3 ऐड करेंगे 45, अभी भी नहीं आ रहा। फिर से ये दोनों ऑप्शन पीछे के नहीं आ रहे, तो ये भी रॉन्ग है, सेकेंड भी रॉन्ग। अब हम थर्ड वाला रख के चेक करेंगे कि थर्ड वाला आंसर सही आ रहा है या नहीं। थर्ड में है 4 7 4, रखेंगे वाई की जगह, फिर 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 जो 24, 4 आ गया यहाँ पे, 2 6 7 जो 42, 42 और 2 44, सही है। वाई की जगह पे यहाँ पे भी 4 है, वाई की जगह यहाँ भी 4, वाई की जगह यहाँ भी 4, वाई की जगह यहाँ पे भी 4, सब जगह वाई की जगह पे 4 है, मतलब 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 44 का आंसर थर्ड करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही, अब जो आगे की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया हो और आपको लगा कि मैं आपको समझा पा रही हूँ और आप मेरी वीडियो देख के कुछ सीख पाए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।